हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। हमने बोला था कि जो आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है कितने प्रकार का होता है बेटा? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका इमिशन स्पेक्ट्रा और एक होता है बेटा आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। यानी कि हमारे पास जो टॉपिक चल रहा था बेटा वो चल रहा था अपना एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और हमने बोला बेटा जो आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है कितने प्रकार का होता है बेटा? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बेटा इसके अंदर इमिशन स्पेक्ट्रा और एक होता है बेटा इसके अंदर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। फिर हमने बोला बेटा कि जो आपका इमिशन स्पेक्ट्रा होता है कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है बेटा। एक तो होता है आपका कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा और एक होता है बेटा आपका लाइन स्पेक्ट्रा। यहां तक हम क्या कर चुके हैं बेटा? डिस्कस कर चुके हैं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा के ऊपर क्या किया था बेटा? डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम किसके ऊपर डिस्कस करेंगे? लाइन स्पेक्ट्रा पर डिस्कस करेंगे बेटा। जो आपका लाइन स्पेक्ट्रा है किसकी टाइप बनती है बेटा? आपकी इमिशन स्पेक्ट्रा की टाइप बनती है। तो कल हमने डिस्कस किया बेटा कि आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है, इमिशन स्पेक्ट्रा क्या है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या है। अब इमिशन स्पेक्ट्रा की सेकंड टाइप डिस्कस करेंगे बेटा, जिसका नाम है लाइन स्पेक्ट्रा। तो देखिएगा बेटा लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, किस प्रकार से ये स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होते हैं। और कल हमने आपसे एक बात बोली थी बेटा कि लाइन स्पेक्ट्रा को हम क्या बोलते हैं बेटा? लाइन स्पेक्ट्रा को हम एलिमेंट का फिंगरप्रिंट्स भी बोलते हैं। इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे बेटा? डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा कि व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा होता क्या है। लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है? तो लाइन स्पेक्ट्रम समझने के लिए हमने क्या किया बेटा, एक किसी भी एलिमेंट का साल्ट लिया बेटा और साल्ट को हमने क्या किया, किसी फ्लेम के अंदर बर्न किया बेटा। या आप बोल सकते हो बेटा कि व्हेन द डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू ए गैस एट लो प्रेशर। या तो आप किसी भी गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में भर के लो प्रेशर पर ट्रीट करो बेटा, या फिर आप क्या करो किसी भी सब्सटेंस के साल्ट को फ्लेम के अंदर क्या करो बेटा, बर्न करो। जैसे आप उसको बर्न करते हो तो जैसे आप उसको बर्न करोगे तो वहां से क्या होगा बेटा, एक सर्टेन कलर की लाइट क्या होगी, इमिट होगी। जैसे हम एक सिंपल से एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए आपके पास कोई भी एक बर्नर होगा बेटा, या आपके पास क्या होगा बेटा, कोई भी एक बर्नर हो गया और इसके अंदर आपने क्या किया बेटा, इस बर्नर की इस फ्लेम के अंदर आपने किसी सब्सटेंस के, यहाँ पर कोई साल्ट है, उस साल्ट को आपने क्या किया बेटा, बर्न किया। यहाँ पर क्या बेटा साल्ट है, ये कौन बेटा आपका बर्नर है, इस साल्ट को आप क्या कर बेटा, बर्न कर। तो जब भी कोई साल्ट फ्लेम के अंदर बर्न होता है तो किसी न किसी प्रकार की रेडिएशन को क्या करता है, इमिट करता है। जैसे अगर हम बात करें सोडियम या सोडियम के किसी साल्ट की, तो सोडियम का साल्ट, सोडियम या सोडियम का जो कंपोनेंट होगा बेटा होगा उनसे येलो कलर की रेडिएशन को क्या करेगा, इमिट करेगा। अगर हम बात करें बेटा पोटासियम या पोटासियम के साल्ट की, तो पोटासियम या पोटासियम का जो साल्ट होगा वो वायलेट कलर को क्या करेगा बेटा, रिलीज करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने कोई साल्ट लिया है और उस साल्ट को हम क्या करते हैं, इस फ्लेम के अंदर बर्न कर बेटा। जैसे इस साल्ट को इस फ्लेम के अंदर क्या करेंगे बेटा, बर्न करेंगे, तो यहाँ से किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई रेडिएशन क्या होगी बेटा, किसी न किसी कलर की रेडिएशन यहाँ से क्या होगी बेटा, इमिट होगी। अब कलर किस पे डिपेंड करता है बेटा, कलर डिपेंड करता है कि हमने किसका साल्ट लिया है। सोडियम का लिया है तो कैसी रेडिएशन मिलेगी, येलो कलर की। पोटेशियम लिया है तो कैसी रेडिएशन मिलेगी बेटा आपको, वायलेट कलर की। तो ये जैसे हम साल्ट को क्या करते हैं बेटा, बंद करते हैं, तो यहाँ से क्या निकलने स्टार्ट होते हैं बेटा, एक सर्टेन वेवलेंथ की सर्टेन कलर की क्या निकलती है बेटा, यहाँ से रेडिएशन निकलती है बेटा। फिर हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर एक स्लिट लगाते हैं, यहाँ पे क्या लगा रखते हैं बेटा, यहाँ पे स्लिट लगा रखते हैं बेटा, और इस स्लिट में से एक नैरो बीम को हम आगे प्रसिद्ध करते थे, ये अपनी नैरो बीम है जो इस स्लिट में से पास आउट होके क्या हो रही बेटा, आगे बढ़ रही है। और जब ये नैरो बीम किसके अंदर आके डलती है बेटा, एक प्रिज्म के अंदर आके डलती है, यानी कि ये प्रिज्म नहीं बेटा, वैसे तो एक्चुअली हम इसको किसके द्वारा ऑब्जर्व करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा ऑब्जर्व करते हैं बेटा। कल हमने डिस्कस भी किया था कि स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर दो चीजें होती है बेटा, एक तो होता है आपका प्रिज्म जो लाइट को क्या करता है, लाइट के अंदर डिस्पर्शन प्रोसेस को करता है, लाइट को क्या करता है, स्प्लिट करता है उसके कंपोज्ड वेवलेंथ लाइट के अंदर। और एक क्या होता है बेटा उसके अंदर टेलीस्कोप, टेलीस्कोप की सहायता से हम अमरजेंट लाइट को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं बेटा।
जो लाइट हमारे आंखों के अंदर आ रही है बेटा, उस लाइट को हम किसके द्वारा ऑब्जर्व कर पाते हैं? टेलीस्कोप के द्वारा ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो यहाँ से जो लाइट आ रही है बेटा, वो लाइट टेलीस्कोप के अंदर प्रेजेंट किसके अंदर जाके गिरेगी बेटा? प्रिज्म के अंदर। जैसे प्रिज्म पे आके डलती है तो प्रिज्म क्या करती है बेटा? लाइट का डिस्पर्शन करती है। तो जैसे ही यहाँ से लाइट का क्या होगा बेटा, जैसे यहाँ से लाइट का डिस्पर्शन होगा तो ये लाइट क्या करेगी बेटा? ये लाइट अलग अलग प्रकार की लाइट के अंदर क्या होगा बेटा? डिकम्पोज हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या ऑब्जर्व होगा बेटा? यहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे बेटा, यहाँ पर हमने क्या लगा रखी थी? फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट। बेटा जैसे आपकी बंसन फ्लेम, सॉरी बर्नर से निकली हुई फ्लेम किसके आगे टकराएगी? प्रिज्म के आगे आके टकराएगी। तो हमें फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर कुछ ब्राइट लाइंस नजर आएंगी बेटा। क्या नजर आएंगी हमें? ब्राइट लाइंस नजर आएंगी, जिसके अंदर आपका जो स्पेक्ट्रा बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा बेटा कि आपकी क्या है बेटा? फोटोग्राफिक प्लेट है। इस फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर आपको जगह जगह पर क्या नजर आएंगी बेटा? ब्राइट लाइंस नजर आएंगी। मान लो इस प्रकार की आपको कुछ लाइंस नजर आएंगी। बाकी का पूरा जो हिस्सा होगा बेटा वो कैसा होगा? ब्लैक होगा। बाकी का कंप्लीट हिस्सा कैसा होगा बेटा? इसमें ब्लैक होगा। ये कंप्लीट हिस्सा कैसा होगा बेटा? ब्लैक होगा। यानी कि आप ये बोल सकते हो बेटा ये कंप्लीट कैसा होगा? ब्लैक होगा। इस ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर आपको क्या नजर आएगा बेटा? कुछ ब्राइट लाइंस नजर आएंगी बेटा। आप क्या बोल सकते हो बेटा? ये जो आपकी ब्राइट लाइंस है बेटा, ये जितनी भी आपकी क्या है ये ब्राइट लाइंस है, ये आपका कौन सा स्पेक्ट्रा शो करते हैं बेटा? लाइन स्पेक्ट्रा शो करते हैं बेटा। तो आप क्या बोल सकते हो बेटा इसके अंदर? आप बोल सकते हो बेटा कि जब आपकी कोई भी बीम ऑफ लाइट प्रिज्म में से पास होती है तो प्रिज्म में से पास होती है वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर क्या करते हैं कुछ ब्राइट लाइंस प्रोड्यूस करती है। बाकी बची हुई स्क्रीन कैसी होगी बेटा? टोटली डार्क होगी। तो इस स्पेक्ट्रम हम क्या बोलते हैं बेटा? लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं। इसके अंदर हमने एक केस क्या बोला था बेटा? लाइन स्पेक्ट्रम कब ऑब्टेन होगा? पहला केस, या तो किसी साल्ट को बर्नर के अंदर क्या करो बेटा? बर्न करो। या फिर सेकंड केस के अंदर क्या बोला था बेटा? सेकंड केस में हम बोल सकते हैं कि जब किसी भी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस को लो प्रेशर पर क्या किया जाता है बेटा? ट्रीट किया जाता है। मान लो आपके पास क्या हो बेटा? कोई भी डिस्चार्ज हो गया, ये कोई भी डिस्चार्ज ट्यूब हो गया बेटा, और हमने क्या किया बेटा? इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस को भर दिया, और यहाँ पे आपकी एनोड, यहाँ पे आपकी कैथोड हो गया बेटा। यहाँ पर जब गैसों को फिलअप करते हैं बेटा, तो जैसे ही गैसों का प्रेशर कम होकर हीट की जाएगी तो गैस क्या हो बेटा? किसी न किसी प्रकार की रेडिएशन को क्या करेगी? यहाँ से इमिट करेगी। तो यहाँ से भी वही कंडीशन है बेटा, यहाँ से भी रेडिएशन क्या हो रही है बेटा? इमिट हो रही है। और ये रेडिएशन फिर नैरोबीम के रूप में किसमें आपकी गिरेगी? प्रिज्म में। बाकी कहानी वही चलेगी बेटा, जैसे ही प्रिज्म में आपकी गिरेगी तो आपको यहाँ से क्या नजर आएंगे बेटा? डार्क बैंड के साथ ब्राइट लाइंस नजर आएंगे, और ये कौन सा स्पेक्ट्रम बन जाएगा बेटा? आपका लाइन स्पेक्ट्रम बन जाएगा। अब ध्यान से सुनो बेटा, इसमें क्या कुछ पॉइंट बोलने जा रहा हूं बेटा। हर एलिमेंट का जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है वो दूसरे एलिमेंट के लाइन स्पेक्ट्रा से डिफरेंट होता है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट शो द डिफरेंट टाइप ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रा, कि अलग अलग एलिमेंट का जो लाइन स्पेक्ट्रा होगा वो कैसा होगा बेटा? अलग अलग होगा। यानी कि इसका मतलब ये है बेटा कि कोई भी दो एलिमेंट सेम प्रकार के लाइन स्पेक्ट्रा को शो नहीं कर सकते। कोई भी दो एलिमेंट का मतलब मान लो आपके पास एक तरफ मान मैंने सोडियम लिया बेटा, एक साइड मैंने क्या लिया बेटा? पोटेशियम लिया है। सबको पता है बेटा सोडियम के अंदर टू लाइन्स ऑब्टेन होती है, और पोटेशियम में भी क्या ऑब्टेन होगी बेटा? आपको लाइन्स ऑब्टेन होगी, वो टू भी हो सकती है, फोर भी हो सकती है बेटा। चलो हमने टू से फोर के बीच में मान लिया, टू से फोर लाइन्स अभी क्या होती है बेटा? यहाँ से ऑब्टेन होती है बेटा। सोडियम के अंदर जो लाइन ऑब्टेन होगी उसका कलर कैसा होगा? येलो कलर होगा, क्योंकि हमने किसकी बात की बेटा? इमिशन स्पेक्ट्रा में लाइन स्पेक्ट्रा की हम बात करें बेटा। तो जो सोडियम के द्वारा स्पेक्ट्रा बनाया जाएगा उस स्पेक्ट्रा के अंदर जो कलर होगा वो कैसा होगा बेटा? येलो कलर होगा। और जो आपका जो पोटेशियम का साल्ट है, पोटेशियम के साल्ट के द्वारा जो स्पेक्ट्रा बनाया जाएगा बेटा उसका जो कलर होगा वो कैसा होगा? वायलेट कलर होगा बेटा।
इनके आसे में कैसे लाइन मिलेगी बेटा, वायलेट कलर की लाइन मिलेगी, और यहाँ पे कैसे लाइन मिलेगी बेटा, येलो कलर की लाइन मिलेगी बेटा। अब उसने बोला बेटा यहाँ पर जो दो लाइन हमें मिलेगी ना, उन लाइन्स की कोई ना कोई क्या होगी बेटा, वेवलेंथ होगी। तो उसने बोला बेटा इसके अंदर एक लाइन की जो वेवलेंथ है वो तो होती है बेटा 5890 आर्मस्ट्रॉन्ग, और दूसरे को होती है बेटा 5896 आर्मस्ट्रॉन्ग। यानी कि ये क्या है बेटा, जो लाइन हमें ऑब्टेन हो रही है उस लाइन की क्या है, ये वेवलेंथ है। मान लो ये आपके पास क्या है बेटा, फोटोग्राफिक प्लेट है। इस फोटोग्राफिक प्लेट का जो बैकग्राउंड है वो कैसा रहेगा बेटा, ब्लैक रहेगा। ये आपका ब्लैक बैकग्राउंड हो गया, इसमें ये टोटली कैसा होगा बेटा, ब्लैक होगा। लेकिन इस पूरे ब्लैक के अंदर आपको दो लाइंस मिलेगी जो कैसे कलर की होगी, येलो कलर की होगी बेटा। यहाँ पे आपको कितनी लाइन मिलेगी बेटा, दो लाइन मिलेगी जो कैसे कलर की होगी, येलो कलर की होगी बेटा। और एक की जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी 5890, और दूसरे की जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी बेटा 5896। तो यहाँ पर मान लो आपको एक वेवलेंथ, एक लाइन तो ये मिल गई बेटा, ये येलो कलर की मिल गई आपको, एक लाइन आपको ये मिल गई बेटा येलो कलर की। बाकी का जो ग्राउंड होगा वो कैसा होगा बेटा, टोटली ब्लैक होगा, इनकी बिल्कुल डार्क बैकग्राउंड होगा, और उसके अंदर आपको क्या मिलेगी बेटा, दो लाइन मिलेगी। तो जब हमें कोई स्पेक्ट्रम लाइन के रूप में होते हैं तो क्या कहलाएगा बेटा, आपका लाइन स्पेक्ट्रम। अब आ जाओ बेटा पोटेंशियल के ऊपर बेटा, सेम कंडीशन किसके अंदर होगी, पोटेंशियम के अंदर होगी। मान लो पोटेंशियम में पूरा बैकग्राउंड तो ब्लैक हो गया, यहाँ पर दो लाइन मिलेगी। मान लो एक लाइन आपको ये मिल गई, यहाँ पे ये होगी एक लाइन ये मिल गई बेटा आपको, मान लो एक लाइन ये मिल गई बेटा आपको, मान लो ये आपको तीन लाइन मिली बेटा, एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, आपको ये तीन लाइन मिली है। अब जरूरी नहीं बेटा कि इन तीनों लाइन की जो वेवलेंथ होगी वो सोडियम के बराबर ही हो, ये बात बिल्कुल गलत होगी बेटा, क्योंकि जो सोडियम है वो एक अलग एलिमेंट है, पोटेशियम है अलग एलिमेंट है। सोडियम के द्वारा येलो लाइन दी गई बेटा, पोटेशियम के द्वारा वायलेट लाइन दी गई, तो क्या वायलेट कलर की वेवलेंथ येलो कलर की वेवलेंथ के साथ मैच हो सकती है बेटा, नहीं हो सकती। तो यही बात मैं बोलने जा रहा हूँ बेटा कि अलग अलग प्रकार के एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रा होगा वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं बेटा, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग करने के लिए, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग पहचानने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बेटा एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज द फिंगरप्रिंट ऑफ द एलिमेंट, इसलिए एटॉमिक स्पेक्ट्रा एलिमेंट का क्या है बेटा, फिंगरप्रिंट है। जिस प्रकार से किसी भी दो मनुष्य के फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर सकते, उसी प्रकार से किन्हीं भी दो एलिमेंट के एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी आपस में मैच नहीं कर सकते बेटा, इसलिए एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एलिमेंट का क्या बोला जाता है बेटा, फिंगर प्रिंट बोला जाता है बेटा। तो ये था बेटा आपका इमिशन स्पेक्ट्रा। दूसरा स्पेक्ट्रा आपका बेटा इसके अंदर अपना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा के बाद सेकंड स्पेक्ट्रा आपका आता है बेटा, जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इमिशन का मतलब क्या होता है बेटा, किसी चीज को इमिट करना, यानी कि एक ऐसा स्पेक्ट्रा जो लाइट के इमिशन के दौरान हमें ऑब्टेन हुआ उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। और अब हमारे पास आ रहा है बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है बेटा, नाम से क्लियर क्या कर लेना बेटा, एब्जॉर्ब कर लेना, किसी चीज को क्या कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना। कौन सा स्पेक्ट्रा बनेगा बेटा, ये आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। देखिएगा बेटा किस प्रकार से हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, एक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं कि यहां से आपकी कोई भी लाइट क्या हो रही बेटा, इमिट हो रही है। ये लाइट बेटा आपकी क्या हो रही है, यहां से इमिट हो रही है बेटा व्हाइट लाइट आपकी। और हम क्या करते बेटा, इस व्हाइट लाइट को, इस व्हाइट लाइट को हम क्या करते हैं, किसी सॉल्यूशन के अंदर से पास आउट करवाते हैं बेटा, ये आपकी नर्व दिमागी यहां से। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक सॉल्यूशन रखते हैं और उस सॉल्यूशन के अंदर से हम क्या करते हैं, इस व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं। मान लो आपने कोई भी एक सॉल्यूशन रखा बेटा, किसी भी सब्सटेंस का क्या हो बेटा, सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस, सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का क्या हो बेटा, सॉल्यूशन हो गया।
अब ये लाइट ऑर्बिटाइज सॉल्यूशन में से पास आउट होकर किसमें जाके गिरेगी, टेलीस्कोप सॉरी प्रिज्म के ऊपर जाके गिरेगी बेटा, स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर। अब ये लाइट किसके ऊपर आके गिरे बेटा, प्रिज्म के अंदर आके गिरी है, और फिर ये क्या होगा बेटा, यहां से डिस्पर्स होती हुई क्या होगी बेटा, बेंट हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे आप क्या लगी बेटा, यहाँ पे हमने लगा रखी आपकी फोटोग्राफिक प्लेट। क्लियर बेटा, देखो बेटा दोबारा से देख लो क्या है अपना टॉपिक, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये हमारे पास क्या है, व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट इस प्रकार से ऑप्टेन हो रहे, उसको फिर डिस्कस कर रहे हैं बेटा, पहले थ्योरी बाद में पढ़ेंगे इसकी। तो इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये क्या है आपकी व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट क्या होता है किसी सॉल्यूशन पे आके गिरती है, सॉल्यूशन में से पास आउट होने बाद प्रिज्म पे, प्रिज्म के बाद किस पे बेटा, फोटोग्राफिक प्लेट पे। थोड़ी देर के लिए मुझे एक बात का आंसर दे बेटा, एक बार एक ऐसा डायग्राम है यहां पे बना रहा हूं, उसका आंसर अगर आपने दे दिया तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। यहां पर भी कंडीशन आपकी ये आपकी व्हाइट लाइट बेटा, व्हाइट लाइट हो गई, ये स्लिट हो गई, यहाँ पे ये प्रिज्म होगी, यहाँ पे ये स्क्रीन है, क्लियर। तो क्या कुछ होगा सोचकर बताना थोड़ा कि यहाँ पर क्या होगा, एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, थोड़ा सोच रहा इसके मैटर के ऊपर कि जब कोई भी व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म में से पास आउट की जाती है तो क्या होता है बेटा। आंसर मिल गया होगा बेटा, कौन सा स्पेक्ट्रा बनेगा हमारे पास यहाँ पर, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बनेगा बेटा। कौन सा स्पेक्ट्रा बनेगा बेटा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बनेगा। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा का मतलब कि जैसे ये व्हाइट लाइट इस प्रिज्म में से पास होगी तो ये व्हाइट लाइट सात कलर के अंदर क्या होगी बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी कि इस लाइट का क्या हो जाएगा बेटा, डिस्पर्सन हो जाएगा, और ये लाइट कितने कलर में डिवाइड हो जाएगी, सात कलर के अंदर डिवाइड हो जाएगी, जिसके कारण आपको क्या मिलेगा बेटा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा मिलेगा, जो हम कल डिस्कस करके गए थे बेटा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा के अंदर क्या होता है बेटा, एक कलर दूसरे कलर में मर्ज होता है, दूसरा तीसरे में मर्ज होता है, तीसरा चौथे में, चौथा पांचवे में, लगातार कलर एक दूसरे में क्या होता है मर्ज होते हैं, कि एक कलर के खत्म होते हैं बिना किसी बाउंड्री के, सेकंड कलर क्या हो जाता है बेटा, स्टार्ट हो जाता है, जिस प्रकार से रेनबो वगैरह आपने कभी देखा हो, या प्रिज्म में से जब लाइट पास आउट करवाते हो तो जो स्पेक्ट्रा आपको मिलता है वो कौन सा स्पेक्ट्रा होता है बेटा, आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होता है। यहाँ पर भी तो आपको कौन सा स्पेक्ट्रा मिलेगा बेटा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो आप ऊपर वाले केस पर आओ बेटा, इसी केस को थोड़ा ऊपर वाले केस पर अप्लाई करते हैं, कि यहाँ से क्या है व्हाइट लाइट आ रही है, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको भूल जाऊं, जो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे पहले किया है, अगर मैं सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं तो क्या होगा, व्हाइट लाइट आएगी, प्रिज्म में टकराएगी, और प्रिज्म में टकराकर फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या देगी, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा देगी। क्लियर हुई यहां तक की बात। लेकिन अब हमने क्या किया, इस व्हाइट लाइट के रस्ते में क्या रख दिया, एक सॉल्यूशन रख दिया जो किसी सब्सटेंस का है, किसी सब्सटेंस का क्या रख दिया बेटा, हमने सॉल्यूशन रख दिया। अब क्या होगा बेटा, अब ये जो व्हाइट लाइट है बेटा, अब ये व्हाइट लाइट जैसे ही सॉल्यूशन में से पास होगी तो ये सॉल्यूशन क्या करेगा, व्हाइट लाइट में से कुछ वेवलेंथ को क्या कर लेगा बेटा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ध्यान से सुनो बेटा, ये सॉल्यूशन किस लाइट में से कुछ वेवलेंथ को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बेटा जो वेवलेंथ इस सब्सटेंस के द्वारा एब्जॉर्ब की जाएगी वो वेवलेंथ आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो जब वो वेवलेंथ आगे नहीं बढ़ पाएगी तो उस वेवलेंथ के स्थान पर कोई भी कलर अराइज नहीं होगा। बेटा थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना बेटा, जो आपकी फोटोग्राफिक प्लेट होती है, ये फोटोग्राफिक प्लेट किसको शो करती है, कलर को शो करती है बेटा। जो आपकी फोटोग्राफिक प्लेट होती है किसको शो करती है बेटा, कलर को शो करती है। ये मान लो आपकी फोटोग्राफिक प्लेट हो गई, यहाँ पे इस फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर अलग अलग कलर बैंड लगे होते हैं बेटा। क्या होते हैं यहाँ पर, अलग अलग प्रकार के कलर बैंड होते हैं बेटा। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा है बी आई बी जी वाई ओ आर वेवलेंथ, यही तो होता है आपके कलर बैंड। व्हाइट लाइट किन से मिलकर बनती होती है, सात कलर से मिलकर बनी होती है, और सात कलर आपके कौन कौन से, जो आपको आपको बिल्कुल साफ नजर आ रहे वो आपके सात कलर हो गए बेटा, विबग्योर के नाम से इनको बुलाया जाता है बेटा। अब क्या होना है बेटा यहाँ पे, अब जैसे आपकी व्हाइट लाइट इसके अंदर से क्या बेटा पास आउट होगी तो क्या होगा, सॉल्यूशन किसी न किसी प्रकार की वेवलेंथ को क्या कर लेगा बेटा, एब्जॉर्ब कर लेगा। सॉल्यूशन क्या करेगा, किसी न किसी वेवलेंथ को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। सपोज करो
इस सॉल्यूशन ने येलो कलर की लाइट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। सपोज करना सॉल्यूशन ने येलो कलर की वेवलेंथ को, यानी कि येलो कलर की लाइट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो येलो कलर होगा बेटा, वहां पर आपको कलर नजर नहीं आएगा, वहां पर क्या नजर आएगा, केवल डार्क बैंड नजर आएगा बेटा। क्या नजर आएगा, डार्क बैंड नजर आएगा। अगर मान लो लाइट जब सॉल्यूशन में से पास हुई और सॉल्यूशन ने क्या करता, ग्रीन या ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या होगा बेटा कि जो आपका ग्रीन या ब्लू कलर होगा वो आपको नजर नहीं आएगा। तो जो ब्लू कलर होगा वहां पे क्या नजर आएगा बेटा, आपको डार्क बैंड नजर आएगा। बाकी स्पेक्ट्रम कैसा रहेगा, कंटिन्यू रहेगा बेटा। लेकिन जो कलर इस सॉल्यूशन के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, उस कलर के स्थान पर आपको क्या नजर आएगा बेटा, एक डार्क बैंड नजर आएगा बेटा। क्या नजर आएगा बेटा, उसके स्थान पर आपको एक डार्क बैंड नजर आएगा। जिस प्रकार से मान लो ब्लू कलर एब्जॉर्ब हुआ है तो आपको ब्लू कलर के स्थान पर डार्क बैंड नजर आएगा बेटा। इंडिगो एब्जॉर्ब हुआ है तो इंडिगो पर आ जाएगा बेटा। रेड हो गया तो रेड के स्थान पर आ जाएगा, ब्लू होगा तो ब्लू के स्थान पर आ जाएगा। यानी कि जो कलर इस सॉल्यूशन के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, उस कलर के स्थान पर आपको क्या नजर आएगा बेटा, एक डार्क बैंड नजर आएगा। बाकी बचा हुआ स्पेक्ट्रम आपका कैसा होगा बेटा, बिल्कुल विजिबल होगा, कंटिन्यूस होगा, हर कलर अपने स्थान पर आपको नजर आएंगे। लेकिन जो कलर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा उसके स्थान पर आपको क्या नजर आएगा बेटा, डार्क बैंड नजर आएगा बेटा। अगर इस स्पेक्ट्रा की बात करें तो ये आपका वही स्पेक्ट्रा बनता है, जस्ट अपोजिट बनता है किससे, लाइन स्पेक्ट्रा से। किससे अपोजिट बनता है बेटा, ये आपका लाइन स्पेक्ट्रा से। कैसे बनता है ध्यान से सुनिएगा बेटा, जो कलर यहाँ पर गायब हुआ है वो कब गायब हुआ है, जब उसको क्या कर लिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया। जब उस कलर को इस सॉल्यूशन के द्वारा क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो कलर यहाँ से क्या हो गया, मिस हो गया, उसके स्थान पर डार्क बैंड आ गया बेटा। अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ये नहीं कि हर एक प्रकार की वेवलेंथ हर प्रकार के सब्सटेंस के द्वारा एब्जॉर्ब होगी, ये बात बिल्कुल गलत है बेटा। कोई सब्सटेंस येलो कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, कोई वायलेट कलर की एब्जॉर्ब करता है, कोई रेड कलर की को क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब करेगा, कोई इंडिगो कलर की को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो अलग अलग सब्सटेंस के द्वारा अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ क्या की जाती है बेटा, एब्जॉर्ब की जाती है। अब यहाँ पर जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी वो वेवलेंथ आगे नहीं बढ़ पाई, आगे नहीं बढ़ पाई, तो जो कलर आगे नहीं बढ़ पाए उसके स्थान पर आपका क्या आ गया बेटा, डार्क बैंड आ गया। अगर अपोजिट सब्सटेंस लेता कि अगर मैं सब्सटेंस को बर्न करूं, अगर मैं सब्सटेंस को क्या करूं बेटा, बर्न करूं, तो ये सब्सटेंस उसी वेवलेंथ को तो छोड़ेगा जिसने जिसको ये क्या करना चाह रहा है, एब्जॉर्ब करना चाह रहा है। अगर इसने येलो को एब्जॉर्ब किया है तो ये क्या करेगा, येलो को इमिट करेगा, तो जो येलो कलर इमिट होगा वो क्या देगा, लाइन स्पेक्ट्रम देगा। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि आपका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है ये जस्ट रिवर्स होता है किसका, लाइन स्पेक्ट्रा का। कि लाइन स्पेक्ट्रा इमिशन का पार्ट होता है, जब किसी सब्सटेंस को हीट किया जाता है वो लाइट को इमिट करेगा, जैसे वो लाइट को इमिट करेगा हमें क्या दिखाई देगा बेटा, लाइन स्पेक्ट्रा दिखाई देगा। जब कोई सब्सटेंस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा हमें क्या दिखाई देगा, डार्क बैंड दिखाई देगा। तो जो डार्क बैंड उसी स्थान पर बनेगा जिस स्थान पर आपकी क्या बनी बेटा, ब्राइट लाइन बनी बेटा। वेवलेंथ दोनों के अंदर क्या रहेगी बेटा, सेम, यानी कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में उसी स्थान पर आपकी वेवलेंथ गायब मिलेगी जिस स्थान पर आपके लाइन स्पेक्ट्रा में आपको कलर नजर आ रहे बेटा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका इमिशन स्पेक्ट्रा है वो लाइन स्पेक्ट्रा से जस्ट क्या होता है बेटा, रिवर्स होता है। तो ये था बेटा आपका आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को क्या किया बेटा, कंप्लीटली लर्न किया, फिनिश किया बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को लेकर, या तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पर डिस्कस करते हैं बेटा, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पर ही डिस्कस करेंगे, या फिर हम बोर्स मॉडल के ऊपर डिस्कस करेंगे बेटा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, थैंक यू।